नगर कौंसल जीरकपुर के अंदर नजायज उसारियां की समस्या दिन ब दिन वधदी जा रही है। नित वापर रहे हादसों तो भी नगर कौंसल के अधिकारी कोई सिख्या नहीं लै रहे। पिछले दो महीनों के अंदर अंदर ही जीरकपुर के विच वापरे वड्डे वड्डे हादसों के कारण जिथे आम जनता के विच सहम का माहौल पाया जा रहा है, उत्थे ही नगर कौंसल के अधिकारियों के कन्ना ते जूं तक नहीं सरकी। बीती रात लोहगढ़ रोड के उपर स्थित मैट्रो प्लाजा मार्केट के विच लगी भयानक अग के कारण एक शोरूम का सामान बुरी तरह सड़ के सुआह हो गया। मौके ते जांच करन ते पता लग्या कि इस मार्केट की बेसमेंट के विच भी शोरूम बनाए गए हैं, जदों कि बिल्डिंग बायलाज के अनुसार बेसमेंट विच सिर्फ पार्किंग या फालतू समान रखने लई स्टोर बनाया जा सकता है। पर बिल्डरां वल्लों सारे बिल्डिंग बायलाज दी उलंघना करदे होए शरेआम बेसमेंटां दे विच शोरूम बना के करोड़ों रुपए दे विच बेचे जा रहे हैं। इस तो इलावा मैट्रो प्लाजा मार्केट की उपर वाली इमारत विच बनाए गए वन बेडरूम के फ्लैट भी बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की शरेआम उलंघना करके बनाए गए हैं। अजिहियां नजायज इमारत ही हादसों का कारण बन रही हैं। इत्थे यह भी दसन योग है कि जिस बिल्डर वालों यह मैट्रो प्लाजा बनाया गया है उस ही बिल्डर वालों जीरकपुर विखे एक बहुमंजिला फ्लैट बनाने लई पुट्टी गई बेसमेंट कारण एक्सियन बिजली विभाग का दफ्तर भी नुकसान गया है, जिस कारण एक्सियन अते उसके स्टाफ नू अपना दफ्तर खाली करके दौड़ना पिया। मामले दे संबंधी संपर्क करन ते नगर कौंसल जीरकपुर दे एमई मुकेश कुमार ने दसिया कि यह मामला उनां दे ध्यान विच नहीं है, पर ओह इस संबंधी पड़ताल करके बिल्डरां दे खिलाफ बनदी कारवाई जरूर करनगे। सर कल इत्थे मैट्रो प्लाजा इत्थे हैगी आ जिहड़ी मार्केट उहदे च अग लगी सीगी कि ओह एज पर लॉ बनी हुई है सारी। देखो जी, बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर सैकंड फ्लोर ते प्लस उपर कुछ बनया, ठीक है जी। मेरे को नक्शा नहीं आया, मैं नक्शा मंगाया, मामला मेरे ध्यान च आ गया। ध्यान करके जो भी ये खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर गलत किया तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर नजायज सारी हुई तो बिल्कुल जी, खिलाफ जो कानून मुताबिक कार्रवाई होगी की जाएगी।